मैं खुशरू आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। आज हम लोग आपको एक ऐसी महिला के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि एक ही घर में शादी करके आई है पांच भाइयों के साथ, और वो पांचों भाइयों की पत्नी है, और जो इसके पीछे की वजह है वो जान के आपका दिमाग हिल जाएगा। चलिए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला, इसके ऊपर नजर डालेंगे। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए जरूर जाइए, और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए भी जरूर जाइए। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज। तो गाइज, आप लोगों ने जो कि पुराने जो सीरियल्स आते थे पांडवों के बारे में सुना होगा, द्रौपदी के बारे में सुना होगा। तो ये जो पांडव थे उनकी एक बीवी थी द्रौपदी, और उसके बारे में आपने बाखूबी सुना होगा कि वो एक ही लड़की पांच पांडवों की पत्नी थी। और उसी दौरान ही अभी आज हम लोग आपको एक ऐसी महिला के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको कलयुग की द्रौपदी बोला जाता है। ये हमारे सामने ये मामला देहरादून के एक गांव से आ रहा है, जहां पर एक रज्जो नाम की महिला रहती है। उसकी शादी घर के बड़े लड़के से हुई, और उस दौरान ही उसकी शादी ऑटोमेटिकली उसके चार भाइयों से, छोटे भाइयों से भी हो गई। अभी उसके बाद आप लोगों को पता है कि ये सब जब चीजें होती है तब हमारी प्रथा नहीं मानती है, पर काफी सारी ऐसी परंपरा है, काफी सारे ऐसे अनुष्ठान हैं जिसके बारे में आज भी लोग उसको मानते हैं। इस घर के भी जो लोग हैं वो इसी परंपरा को मानते हैं कि उनके घर में एक ही लड़की आती है, जितने भी भाई हैं उनकी पत्नी एक ही होती है। ये चीज सुन के आप लोगों को काफी ज्यादा हैरानी होगी कि एक्चुअली में ये पत्नी तो बड़े भाई की है, पर उसी के साथ साथ ये चार भाइयों की भी पत्नी है। ये पत्नी ही नहीं, वो शारीरिक संबंध भी बनाते हैं, और उस दौरान ही ये सब चीजें सुन के लोगों के दिमाग फट जाते हैं कि ये सब चीजें क्या होती है। जब रज्जो से बात की गई तब रज्जो ने ये चीज बताई कि मुझे पता है कि कानून के हिसाब से ये शादी मानी नहीं जाती है, पर ये शादी अभी ये हमारी प्रथा है और इसको कोई भी खारिज नहीं कर सकता है। और उस तरफ लड़कियों की काफी ज्यादा कमी है। आप लोगों को पता है कि लड़कियों को पैदा होने से पहले मार दिया जाता है, और उस दौरान जब लड़का बड़ा होता है जब उसके लिए लड़की ढूंढी जाती है, तब आज भी ऐसी प्रथा है कि लड़की को खरीद के घर लेके आया जाता है, या लड़की की एक ही लड़की से काफी सारे लड़कों की शादी करवा दी जाती है। अगर वो लोग पांच छह भाई हैं तो भी एक लड़की को ही घर लेके आया जाता है, और उसके बाद भी उनका दिमाग सही नहीं होता, और उसके बाद भी वो लोग लड़की को मार देते हैं पेट के अंदर, और उस दौरान ही वो लड़के की चाहत रखते हैं। ये भी कुछ ऐसा ही मेल खाता हुआ मामला है। रज्जो का एक बेटा है, पर रज्जो से जब बात की गई तब रज्जो ने बताया कि हालांकि उसको पता ही नहीं है कि ये बेटा है किसका, पर ये सब लोग मिलके उस बेटे को काफी ज्यादा प्यार करते हैं। आई होप गाइज आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, और इस कलयुग की द्रौपदी के बारे में जानकर आपको काफी ज्यादा हैरानी हुई होगी। अगर हाँ तो बताइए जरूर कमेंट बॉक्स में, और साथ के साथ लाइक ठोकते हुए जरूर जाइए। अपना ध्यान रखिए, घर से बाहर कम ही जाइए, क्राउडेड प्लेस पे ना जाइए, और अगर किसी को सर्दी कफ जुकाम, अगर सांस लेने में कोई प्रॉब्लम है किसी को तो उससे थोड़ा बहुत उससे थोड़ा दूर ही रहिए, और अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए। इसी के साथ मैं इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।